दोस्तों आज हम पल्सर के ब्रेक शू चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ड्रम प्लेट का नट खोलना है, उसमें एक लॉक लगा होता है उसे निकालना है, और उसे निकालने के बाद ब्रेक की रॉड खोलनी है। ब्रेक की रॉड खोलने के बाद फिर हमें इसके अंदर 22 नंबर का पहिए का बोल्ट होता है जो कि नट बोलते हैं, वो खोलना पड़ेगा। और एक 14 नंबर की हमें कोई टॉमी या कोई पाना ले सकते हैं आप, उसे लगाना पड़ेगा। उसके लिए 14 नंबर का ड्रम प्लेट का नट होता है और एक ब्रेक की रॉड का नट होता है, वो 14 नंबर का होता है। उन्हें खोलने के लिए हमें 14 नंबर के टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जल्दी से हम इस पहिए को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमने पुराने ब्रेक शू निकाल लिए हैं, अब इसमें हम नए ब्रेक शू डालेंगे। दोस्तों इसकी ब्रेक की कैम जरूर चेक कर लें, कहीं जाम तो नहीं। अगर जाम हो तो आप इसे खोलकर इसको साफ कर लें, जैसे कि हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। इसमें 10 नंबर की टॉमी और 10 नंबर की रिंच की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 10 नंबर का बोल्ट और नट होता है। उसे खोलेंगे और उसे खोलने के बाद हम इसकी कैम को बाहर निकालेंगे। दोस्तों इसमें निशान लगा लें, अगर इसमें निशान नहीं है तो इसमें निशान लगा लें, जिससे हमें आसानी रहेगी। ये देखिए दोस्तों हमने इसकी ब्रेक कैम को निकाल लिया है, इसके अंदर काफ़ी गंदगी जमा है, इसको हम साफ़ करेंगे। बस आपको कपड़े से पोंछना है और इस पर ऑयल लगा देना है, और ऑयल लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से अंदर लगा घुमा देना है, जिससे कि ये ऑयल अच्छी तरीके से हर जगह लग जाए। अब हम जल्दी से इसे आपको लगाकर दिखाते हैं। इसकी कैम काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब हम इसमें नई ब्रेक शू लगाएंगे। हमने इसमें ब्रेक शू लगा दिए हैं, अब हम इसमें ड्रम प्लेट के अंदर रेगमाल लगाएंगे। अब हम इसमें ब्रेक शू लगाएंगे, ड्रम प्लेट को कसेंगे। उधर से दोस्तों हम एक्सल को ठोकेंगे। एक्सल को ठोकने के बाद इसके अंदर एक रोलर लगता है, उसे हम लगाएंगे, और रोलर लगा के इसको अच्छे तरीके से बैठाने के बाद इस पहिए को जल्दी से कसकर आपको दिखाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके।